यूं तो कोविड महामारी के दौरान प्रदेश में शादी समारोह में केवल मात्र 20 लोगों की ही अनुमति है, लेकिन कई जगह इसका जमकर उल्लंघन भी हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में एक युवक ने अपनी शादी में ऐसी मिसाल पेश की है जिससे सभी लोग युवक की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। जिला के भोरंज उपमंडल के गांव धमरोल के युवक निर्मल शर्मा ने अपनी शादी के लिए अकेले ही दुल्हा बनकर अपनी दुल्हन के पास पहुंचे। दुल्हे निर्मल ने अपनी कार को स्वयं चलाकर दुल्हन के घर पपलो पहुंचा। शादी समारोह में कोविड महामारी के चलते अकेले ही निर्मल ने शादी में जाने का फैसला लिया था, जिस कारण शादी के सारे रीति रिवाजों को दरकिनार करते हुए अपने पिता और रिश्तेदारों के बिना यह शादी सभी के लिए यादगार बन गई है। निर्मल शर्मा अकेले ही कार में 15 किलोमीटर दूर पपलो गांव में दुल्हे बनकर पहुंचे और अपनी दुल्हन को लेकर वापस घर आ गए। इस सारी शादी में बड़ी बात यह रही कि पूरी शादी में दुल्हे दुल्हन के अलावा तीसरा शख्स केवल फेरे करवाने वाला पंडित ही रहा है। अनोखी शादी के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। हालांकि दुल्हे निर्मल के घर पर कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार केवल मात्र शादी की तमाम रस्में अदा की गईं, लेकिन बारात में 20 लोगों की इजाजत के बावजूद भी निर्मल ने सरकार के नियमों को कायम करते हुए अकेले ही शादी में हिस्सा लिया। दुल्हा निर्मल शर्मा सुपुत्र तिलक राज शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जिस तरह मैंने अपनी शादी में नियमों का पालन किया, वैसे ही लोग भी नियमों का पालन करें ताकि महामारी से बचाव हो सके। मैं निर्मल शर्मा, सन ऑफ श्री तिलकराज शर्मा, गांव धमरोल, तहसील भोरंज, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आप सभी से अपील करता हूं कि जो भी कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा दी हुई गाइडलाइन है, हम सबको उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे मेरी शादी है तो मेरे भी कुछ सपने थे, लेकिन फिर भी हम जो भी नियम है हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप भी उनको फॉलो करें। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल शादी को देखकर हमीरपुर वासी जमकर सराहना कर रहे हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि कोविड-19 को हराने के लिए युवक ने जो पहल की है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शादी कर निर्मल ने मिसाल पेश की है और शादियां ज्यादा लोगों को ज्यादा इकट्ठे करने से नहीं होती हैं, बल्कि इस तरह भी हो सकती हैं। कोविड-19 की वजह से शादियों में रुकावट आई है, पर फिर भी लॉकडाउन में शादियां हो रही हैं। वैसे ही भोरंज के एक लड़के ने अकेले जाकर दुल्हन को लेके आया, जिससे उसने गवर्नमेंट द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए उसने, तो हम इस लड़के की बहुत प्रेज करते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे आप लोग सभी इसको फॉलो करें, इसकी बात को समझें। जैसे कर रहा है इसने सही किया, वैसे भी मतलब कम से कम लोगों में शादियां हो सकती हैं। कोविड महामारी के दौरान युवाओं ने भी इस तरह की शादी को देखकर खुशी जाहिर की है। युवाओं का कहना है कि कोविड महामारी के दौरान बिना भीड़ इकट्ठे किए शादी करना बढ़िया बात है। फेसबुक पे देखा कि कोई धमरोल गांव है, यहाँ पे वहाँ से कोई व्यक्ति है, उनकी शादी में उन्होंने अपने आप ही जाकर के दुल्हन को ले आए। बल्कि जैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अभी कोविड में 20 लोगों की परमिशन है कि वो शादी में जा सकते हैं, परंतु उन्होंने खुद ही अकेले जाकर ये मिसाल कायम कर दी है कि इस महामारी के दौर में भी वो बड़े अच्छे तरीके से खुद अकेले गए और बाकी नियमों का पालन करते हुए ना अकेले ही दुल्हन को लेके आए। तो ये हम लोगों को इनसे भी सीख लेनी चाहिए और सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी इसी की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वैसे ही लोग हर तरह के कामों में ऐसा इनिशिएटिव लें।